प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, जिसमें हमारी इकाई जो फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, भूगोल भूगोल में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक जो हमारे ये पूरा हो चुका है। उसके बाद हमने नया टॉपिक, नया इकाई जो दी है, नई जो इकाई है वह है भूगोल में अधिगम संसाधन। इकाई हमारी सेकेंड है, सीखने के लिए कौन कौन से संसाधन उपकरणों की सहायता से हम अपना अध्यापन कार्य को प्रभावी, आकर्षण, रुचिकर कैसे बना सके, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अधिगम में ये भूगोल में अधिगम संसाधन, अधिगम समझा था आईसीटी ने, भूगोल में सूचना संप्रेषण और जो थे हमारे श्रव्य दृश्य जो उपकरण है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि संप्रेक्षण उपकरण जो है, संप्रेक्षण उपकरण शिक्षण और अधिगम को रोचक तैयार करता है। कहा था मैंने कि संप्रेक्षण जो है उपकरण के रूप में ऐसी कोई अधिगम शिक्षण प्रणाली नहीं है जो शिक्षा को सरल, आकर्षक और सुगम बनाती है। उन सभी को हम शिक्षण सामग्री के तौर पर गिनते हैं, शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर कहा जाता है। तो हम पढ़ते आज कि अधिगम, भूगोल में अधिगम पढ़ते हैं वे साधन जो अध्यापन की उद्देश्य पूर्ति में सहायक, उद्देश्य मतलब शिक्षक जो है, एक अध्यापक चाहता है कि मेरे जो जितने भी उद्देश्य है उसको सफल बनाने के लिए उन साधनों का प्रयोग करता है जिसके द्वारा अध्यापक सहायक सामग्री या सहायक शिक्षण सहायक कहलाता है। इसको श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से लिखा ना शिक्षण सामग्री संबंधित जो भी क्रिया होती है उसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं, जिसके अंतर्गत इन श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी में विभिन्न सूत्रों के माध्यम से या सिद्धांतों के माध्यम से या संबंध और अर्थ को समझाने के लिए हमें इन प्रकार के उपकरणों की सहायता पड़ती है, जिससे बालक उस क्रिया को, उस रोचक क्रिया को सही ढंग से सही समय पर पहचान सके। क्योंकि एक उपकरण ऐसा होता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी एक ऐसा विषय बन जाता है कि उस विषय के अंदर, उस टॉपिक के अंदर विद्यार्थी घुसना चाहता है कि आज सर क्या पढ़ाने वाला है। हमारे एक कहते हैं चार्ट लाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को देखकर विद्यार्थी नाखने आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ नया होने वाला है। तो हम चाहे हिंदी के अंदर चाहे जलीय चक्र समझा देते हैं, वाष्प चक्र समझा देते हैं, पूर्ण चक्र कैसा होता है, जल चक्र कैसा होता है, उन सभी के बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और श्रव्य दृश्य यानी देखने और टेलीविजन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाना और पढ़ाना बहुत ही एक अच्छा होता है। कैसे कहा जाता है कि इन संप्रेक्षण उपकरणों के माध्यम से या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से हमारे सीखने में आसानी होती है। शिक्षक भी इनके माध्यम से अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी के अंतर्गत एक अध्यापक का बहुत अहम भूमिका होती है। अध्यापक के द्वारा अध्यापक चाहता है कि मेरे शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक लोग पसंद करें, उससे सीखें। तो उस शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए अध्यापक उस क्रिया के अंतर्गत उपकरण सामग्री, भूगोल शिक्षण में संपूर्ण उपकरणों एवं या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी उस शिक्षण को जितने शिक्षक उस शिक्षण कार्य को सफल बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भूगोल शिक्षण में संप्रेषण उपकरणों
उपकरण जो है वो सर्वीय दृष्टि सामग्री का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल भूगोल शिक्षण में सूचना संप्रेषण या शुक्र संप्रेषण उपकरण उपकरणों या संवेदनशील सामग्री का वर्गीकरण। ठीक है, आज हमारे तत्वों शिक्षण में सूचना संप्रेषण उपकरणों या संवेदनशील सामग्री का वर्गीकरण। ये भी अलग है और इनको भी अलग कहा जाता है। इन दोनों के अंदर क्या है हम पढ़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी आईसीटी क्या प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने तकनीक यानी सूचना संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। हम बनाए श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण, तो कहा जाता है कि भूगोल के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री उपकरण जो है वो तीन भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के माध्यम से वीडियो व्याख्यान के माध्यम से सविस्तर पूर्वक आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।